मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप के मामले में इंदौर पुलिस मोनिका को राजगढ़ लेकर पहुंची। मोनिका यादव के पिता हीरालाल यादव को पुलिस पूछताछ के बाद अपने साथ ले गई। मोनिका ने गांव के सरपंच से कहा, भाई साहब मुझे बचा लो, मुझे फंसाया जा रहा है, बड़े बड़े लोग इस कांड में हैं। इंदौर पुलिस मोनिका के गांव तक पहुंची और वहां उसके पिता से चर्चा करने के बाद उनको भी इंदौर लेकर चली गई। फिलहाल पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होगी, यह जांच के बाद ही पता लगेगा। हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग से जुड़ा मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ तक पहुंच गया है, जहां राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के संवासी गांव में रहने वाली मोनिका यादव को इंदौर की पुलिस सोमवार की रात करीब 10 बजे उसके गांव लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने सरपंच इंदर सिंह से पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस मोनिका और उसके पिता हीरालाल यादव को अपने वाहन में बैठाकर अपने साथ लेकर इंदौर रवाना हो गई। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि मोनिका सरपंच इंदर सिंह के सामने पहुंची तो उसने कहा कि भाई साहब मुझे फंसाया गया है। आपको बता दें कि जब इंदौर पुलिस मोनिका के परिजनों से मिलने और उसके घर की ओर जांच करने आई थी, तब गांव में ग्रामीणों को जागते हुए देखा, न ही वह उसके घर गई और न ही पुलिस ग्रामीणों से मिली और गाँव के बाहर ही पिता को बुलाकर अपने साथ ले गई। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। वो लोग ये बोल करके गए कि हम पलासिया थाने से आए हैं और हम लोगों को जानकारी लेनी है पिताजी से। ये लड़की तो मतलब ऐसी लग नहीं रही, बाकी हम लड़की को बचाने की कोशिश करेंगे, इनकी तरफ से FIR डालेंगे। जो लोग इनको घर से ले गए हैं लालच देकर के, इसका उपयोग किया गया है, नाजायज, ये नाबालिग टाइप की लड़की है, पढ़ाई के नाम पे इसको भोपाल ले गए। लड़की ने, उनके पिताजी ने, उनके माँ बाप ने भी यही बोला कि लड़की सीधी साधी है। कोई मैडम आई थी यहाँ पे, क्या नाम तो मुझे नहीं मालूम, कुछ दयाल ऐसे कुछ आरती दयाल, वो आई थी तो गर्मी में बोले हम लड़की को ले जाएंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो हम पढ़ाएंगे, हम फीस देंगे, ऐसे लालच दे करके ले गए। और पिताजी उनके सीधे साधे है, उनका लगभग 4-5 साल से एक रस्ते का विवाद चल रहा था, उनको खेत पे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो यहाँ के पैसे वाले लोगों ने उनको दबाया, तो वो लड़की इधर उधर आना जाना, नेताओं से मिलना, इससे मिलना, उससे मिलना, तो लोगों से पता नहीं कैसे जान पहचान हो गई, ऐसे जाल में फंस गई। लड़की से आपकी बात हुई तो क्या कह रहे? लड़की ने ये बोला कि भाई साहब मुझे जबरदस्ती फंसाया गया है और मुझे ये झांसा दे के ले गए कि आपको हम ही पढ़ाएंगे, आप भोपाल चलो और पत्रकारिता कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, और वहां ले जाके पता नहीं उल्टा सीधा क्या कराने लगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।